हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और आज इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, और उसमें हम पढ़ेंगे IFC, IDA और ADB, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और एशियाई विकास बैंक, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो संस्थाएं हैं ये यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना और सफलता को देखते हुए एशिया में भी ये अनुभव हुआ कि एशिया के देश भी मिलकर के एशिया के विकास के लिए पृथक वित्तीय संस्था की स्थापना करें। तो इन दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त तीन तुलनात्मक रूप से लघु स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कालांतर में स्थापित की गई और ये फिर कहलाई IFC, IDA और ADB, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और एशियाई विकास बैंक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFC। द्वितीय युद्ध के जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके पहले वित्तीय संस्थाएं स्थापित नहीं हुई थी, वे केवल ऋण प्रदान करती थी लेकिन पूंजी में अंश नहीं खरीदती थी। दूसरे क्या था, केवल सरकार की गारंटी पर ही ऋण दिए जाते थे। तो इस वजह से एक नई संस्था, नए इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता महसूस होने लगी जो ऋण देने में और इनमें से थोड़ा सरलतापूर्वक जिनमें कार्य आसानी से किया जा सके। तो सबसे पहले IFC का सुझाव किसने दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की एक सलाहकार समिति ने दिया। तो इसकी स्थापना का सुझाव जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनकी सलाहकार समिति ने दिया, और उसका उस कमेटी का यह मानना था कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो केवल निजी उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था करे और इन्हें ऋण देने के अलावा उनके द्वारा पूंजी विनियोजन भी किया जाए, यानी कि वो ना केवल लोन देवे बल्कि अपनी पूंजी भी इसमें इन्वेस्ट करें। किसमें, निजी उद्योग धंधों में। तो 11 अप्रैल 1955 को विश्व बैंक ने IFC संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संबंधी मसौदा अपने सदस्यों के सम्मुख कहा, और 24 जुलाई 1956 को इस संस्था की विधिवत स्थापना कर दी गई। और 1956 में इसके कुल सदस्य 31 थे और कुल स्वीकृत पूंजी $78 मिलियन थी। अब इसके उद्देश्य क्या थे, जैसा कि हमने पढ़ा अभी जस्ट, कि ये निजी उद्योगों को ऋण देने और उनमें पूंजी विनियोजन की सहायता के लिए स्थापित की गई थी। तो पहला उद्देश्य था इसका निजी साहस को प्रोत्साहन, ताकि जो निजी उद्योग धंधों के विकास, सुधार और विस्तार की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिल सके, यानी कि बिना सरकार की गारंटी के भी इनमें पूंजी विनियोजन किया जा सके। इसके पहले क्या था, सरकार की गारंटी के आधार पर ही ऋण प्राप्त किए जा सकते थे। इसके अलावा पूंजी और प्रबंध के समन्वय के लिए कि विनियोग के अवसरों, देशी और विदेशी पूंजी और अनुभवी प्रबंधन को परस्पर मिलाकर उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों की देशी तथा विदेशी व्यक्तिगत पूंजी को उत्पादनशील विनियोगों में प्रवाहित कर आर्थिक विकास में उचित सहायता प्रदान करना इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अब इसकी सदस्यता की बात करते हैं, तो जो ये IFC है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये विश्व बैंक से संबद्ध संस्था के रूप में कार्य करता है। तो इसके सदस्य वही राष्ट्र बन जाएंगे जो कि विश्व बैंक के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व अलग है। प्रबंधन की बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो IFC का प्रबंधन IMF और विश्व बैंक की भांति ही गवर्नर मंडल को सौंपा गया है। विश्व बैंक का अध्यक्ष वित्त निगम का देन प्रदान होता है, कौन सा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए इसमें एक संचालक मंडल होगा, जिसमें विश्व बैंक के संचालक मंडल के वे सदस्य जो वित्त निगम के भी सदस्य हैं सम्मिलित होते हैं। इसमें, इस बोर्ड में 21 मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, और विश्व बैंक की ही भांति इसमें भी प्रत्येक सदस्यों को क्या होता है, 250 प्लस एक मत एक शेयर के आधार पर वोट देने का राइट होता है। इसकी अधिकृत पूंजी $110 मिलियन थी, जो $1100 राशि के 110,000 अंशों में विभक्त थी। अब इसके प्रमुख अंशधारियों की आप अगर इस टेबल पर अगर दृष्टि डालें अपनी, तो आप देख पाएंगे इसका प्रमुख अंशधारी अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस जापान कनाडा और भारत है, यानी कि भारत भी सातवां प्रमुख IFC का अंशधारी है। अब इसकी
वर्किंग सिस्टम की हम बात करते हैं, कार्यप्रणाली की बात करते हैं, तो इसके द्वारा निजी उद्योगों में पूंजी का विनियोग किया जाता है और इसके लिए सरकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्रत्येक नए औद्योगिक संस्थान की कुल पूंजी का आधा भाग लगाने को हमेशा तत्पर रहता है। पुरानी औद्योगिक इकाइयों की दशा में निगम पूंजी के आधे से अधिक का भी भागीदार हो सकता है, लेकिन कुल निजी पूंजी निगम के विनियोजन से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त निगम केवल निर्माण संबंधी उद्योगों में धन विनियोजित करता है, जैसे खनन, माल सवाना और सभी प्रकार के उत्पादक कार्य केवल निर्माण उद्योगों में ही यह इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा सभी आकार के उद्योगों के धन की व्यवस्था करता है, लेकिन वह ऐसी इकाइयों को ही मोस्टली पूंजी देता है जिनमें निगम द्वारा दिए गए सहयोग को मिलाकर कम से कम विनियोग $5,00,000 हो। अंश खरीदने के अतिरिक्त आईएफसी अंश पूंजी का अभिगोपन भी करता है, अंडरराइटिंग का काम भी ये करता है ताकि पूंजी बाजार को डेवलप किया जा सके। और इसके द्वारा जो ब्याज की दरें वसूली जाती है वो 6 से 10% तक होती है। प्रदत्त भुगतानों की ऋणों की भुगतान तिथियां वित्त निगम द्वारा दी जाने वालों की 5 से 15 वर्ष यानी कि 5 से 15 वर्ष के लिए इसमें लोन देने का कार्य किया जाता है और उसकी दरें 6 से 10% के बीच में होंगी। वित्त निगम ऋण लेने वाली संस्था को व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देता है, साथ ही निगम द्वारा जिस उद्योग में पूंजी का विनियोग किया जाता है उस उद्योग का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। यानी कि जो आपका आईएफसी है ये लोन देगा तो वो 5 से 10 वर्ष के लिए होगा, उसकी रेट 6 से 10% के बीच में होगी। इसके अलावा जिस भी उद्योग को दे रहा है उसकी इंडिविजुअल जमानत के आधार पर लोन देगा। इनके अलावा जिन उद्योगों में ये अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर ऑडिटिंग का कार्य भी करवाया जाना जरूरी होगा। इनके अलावा कुछ ध्यान देने वाले तथ्य कौन कौन से होंगे कि यह ऐसे व्यवसायों को ही ऋण प्रदान करता है जो देश के आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। प्रदत्त सहायता के परिणाम स्वरूप व्यवसाय ऐसा हो जो कालांतर में लाभ प्रदत्त कर सके। और अंश पूंजी के संबंध में आईएफसी ऋण लेने वाले व्यवसाय की पूंजी के 25% से अधिक अंश नहीं खरीद सकता। अंश पूंजी के संबंध में इसका ये है। इनके अलावा केवल उसी व्यवसाय में विनियोग किया जाता है इसके द्वारा जिसकी कुल पूंजी का कितना प्रतिशत, 50% से अधिक भाग स्वयं संस्था द्वारा लगाया जाए। अब हम बात करते हैं आईएफसी एंड इंडिया यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और इंडिया के बीच में किस प्रकार के संबंध है। हालांकि प्रारंभ से ही भारत इसका सदस्य बन गया था यानी कि अधिकतम पूंजी वाले देशों में होने के कारण विश्व पूंजी के प्रशासनिक संचालक मंडल में भारत द्वारा मनोनीत व्यक्ति वित्त निगम में भी भारत का स्थायी संचालक मान लिया गया था। और वित्त निगम द्वारा आईएफसी द्वारा भारत के किन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, कोरोमंडल फर्टिलाइजर को, अशोक लेलैंड को, दीपक फर्टिलाइजर, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, इनके आरबीआई के आईएफसी के द्वारा वित्त सहायता उपलब्ध करवाई गई। तो इस प्रकार के सहायता के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आईएफसी ने भारत में स्टील इंजीनियरिंग, खाद, रसायन और कृत्रिम रेशों के उत्पादन में सहयोग दिया। और भारत ने कुल पिछले कुछ वर्षों में निगम से किससे, आईएफसी से लगभग $170 मिलियन के तुल्य वित्तीय सहायता प्राप्त की। अब इसकी आलोचना की अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा निजी साहस और पूंजी उत्पादक कार्यों से विनियोग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा उदार ऋणदाता की भांति बिना जमानत के ऋण प्रदान किए गए हैं। अंडरराइटिंग की दिशा में भी, अभिगोपन के में भी इसने काफ़ी कार्य किए, लेकिन इसकी भारत के संदर्भ में ना करके इस एक संस्था के रूप में इसकी हम आलोचनाओं को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है यानी कि इसका जो प्रगति है वो असंतोषजनक रही। 30 वर्षों में केवल $2,000 मिलियन के लगभग पूंजी ही लगाई गई है इसके द्वारा, जो कि अपर्याप्त है। ब्याज की दरें भी इसकी ऊंची है, 6 से 10% ऊंची ब्याज दरें हैं। कठोर शर्तें हैं यानी कि आपको व्यक्तिगत रूप से जमानत देनी होती है और ऋण और भुगतान की शर्तें काफ़ी कठिन है। ऋणी देश को ऋण का भुगतान डॉलर में करना होता है, तो अल्प विकसित देशों के को तो यह समस्या है ही है क्योंकि वो पहले से ही डॉलर्स की समस्या से ग्रसित होते हैं। इनके अलावा उनको कम मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है ये, यानी कि विदेशों में
तो इसने काफी ज्यादा विनियोग और ऋण के कार्य किए, परंतु जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं विदेशी, उनको थोड़ी कम सहायता मिली है। केवल विकसित देशों को ही विकसित देने करने का कार्य यह कर रहा है। इसके जो ऋणों का आकार है वो भी बहुत छोटा हो जाता है, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अब IFC के भविष्य की यदि हम बात करें तो ये अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ये एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है और निजी उद्योगों के लिए ये स्थापना की गई है इसकी। तो निजी उद्योग भी इससे भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको समय समय पर वित्त सहायता मिलती रहती है। लेकिन अगर विकसित देशों को ही ये सहायता दी जा रही है, तो ये अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बल्कि उनके लिए ये हानि की स्थिति है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इसका भविष्य उज्ज्वल है, किंतु यदि यह निजी और अल्प विकसित और विकासशील देशों को और अधिक लोन और पूंजी इन्वेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवाए, तो वे देश और ज़्यादा आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यानी कि इसकी जो भेदभावपूर्ण नीति है उसको कम की जानी चाहिए, ऋणों का आकार थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, और अल्प विकसित और जो विकासशील देश है उनके लिए कठोर शर्तों के स्थान पर उदार शर्तें होनी चाहिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। विकासशील देशों में विकास पूंजी, जिसकी आवश्यकता देश के बड़े उद्योगों का विकास करने के लिए होती है, और दूसरी सामाजिक पूंजी, जिसके द्वारा लोक हित के सामान्य कार्यों का संपादन किया जाता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 26 सितंबर 1960 को IDA की स्थापना की गई। क्योंकि IFC जो है और वर्ल्ड बैंक जो है वो ये सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ठीक है लोन देने का कार्य करता है, IFC निजी उद्योगों को देने का कार्य कर रहे हैं। दोनों ही ये व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो ऋण पूंजी के परंपरागत सिद्धांतों को का पालन कर रहे हैं, किंतु अविकसित देशों में विकास कार्यों के लिए सस्ते ब्याज दर पर दीर्घकालीन पूंजी देने वाली संस्था की आवश्यकता अनुभव हुई। किसके लिए? अविकसित देशों के लिए, जो कि सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने को तत्पर हो। ये तो कि IFC तो क्या था? निजी उद्योगों के लिए था। तो इसका उद्देश्य था विश्व बैंक के पूरक के रूप में कार्य करना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सस्ते एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है और सुलभ ऋण प्रदान करता है। ये सुलभ ऋणों से अभिप्राय वे ऋण जिन पर ब्याज की दर बहुत कम ली जाती है। ऋणों का भुगतान ऋणी देश की मुद्रा में स्वीकार कर लिया जाता है, तथा ऋण बहुत अधिक लंबी के होते हैं। देखा जाए तो IFC के दोषों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना हम कह सकते हैं, क्योंकि ऋणी का भुगतान डॉलर में किया जा रहा था, जबकि इसमें सिर्फ उसी ऋणी देश की मुद्रा में स्वीकार किया जा रहा है। उसमें बैंक की दर भी ज़्यादा थी, और इसमें बैंक की दर मतलब ब्याज की दर, जो आपका इंटरेस्ट रेट थी लोन्स पर, वो उसमें ज़्यादा हाई थी, और जबकि इसमें कम है। इनके अलावा उसमें शॉर्ट टर्म के लिए या उनका आकार छोटा था, जबकि यानी कि 5 से 15 वर्ष के लिए दिए जा रहे थे उसमें, जबकि इसमें दीर्घावधि के लिए लोन दिए जा रहे हैं। इसकी सदस्यता की बात करें तो विश्व बैंक का कोई भी सदस्य इसका सदस्य बन सकता है। इसकी प्रबंध व्यवस्था भी विश्व बैंक की भांति ही, गवर्नर मंडल में संचालक मंडल, प्रबंध संचालक मंडल तथा उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त विश्व बैंक के नियमित कर्मचारी ही इसके समस्त कार्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसकी पूंजी प्रारंभिक सदस्यों की जो थी वो $1 अरब थी, और कुल राशि संघ बनने के समय विश्व बैंक के जो 68 सदस्य थे उनमें बांटी गई थी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसके सदस्य देशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग फर्स्ट में तो 22 विकसित देशों को लिया गया है, और जो 112 है उनमें अविकसित देशों को लिया गया है। दो लिस्ट बना दी है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। फर्स्ट में रख दिया 22 विकसित देश, और सेकंड में रख दिया 112 अविकसित देश। तो 22 विकसित देश तथा 112 अविकसित देश अपने विधान का 10% परिवर्तनशील मुद्रा तथा शेष 90% 5 किस्तों में चुकाने को बाध्य। यानी कि 10% तो ये कन्वर्टेबल मनी में चुका सकते हैं, 90% को 5 किस्तों में चुकाया जाएगा इसके इनके द्वारा लोन का। अब इसकी जो वर्किंग सिस्टम है उसको हम समझें तो यह अविकसित देशों के लिए ऋण देता है जो संघ के सदस्य हैं। किसके? इसी संघ के सदस्य। किसी भी देश को ऋण स्वीकृति से पूर्व विकास संघ एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करता है, जो संबंधित परियोजना का पूरा अध्ययन करता है,
और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तथा यह ऐसे कार्यों के लिए ऋण नहीं देता जिनके लिए पूंजी अन्य साधनों अथवा अन्य क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। IDA समय समय पर ऋणी देश में प्रगति का लेखा जोखा भी लेता है और जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता भी देता है, यानी कि यह पूर्ण निष्पक्ष रहकर केवल आर्थिक आधार पर ही निर्णय करता है और राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को यथासंभव सरल एवं सस्ते ऋण देकर उनकी प्रगति में सहयोग करता है। इसकी वार्षिक सभा में यह निश्चित किया गया था कि आर्थिक साधनों में वृद्धि के लिए विश्व बैंक अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत IDA को हस्तांतरित करेगा और IDA ने अपनी स्थापना से लेकर अभी तक सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न कार्यों के लिए लोन दिया है। इसका जो डिटेल्स में है IDA और इंडिया, इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।